हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे महासागरों के भौतिक लक्षण। यह जो समुद्र विज्ञान है यानी कि ओशनोग्राफी है, बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर है उसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि महासागरों की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या भौतिक लक्षण हैं और किस तरह से महासागरों के भौतिक लक्षण महासागरीय जीवों को व समस्त जो जीव मंडल है उसको किस प्रकार प्रभावित करता है, इन तथ्यों का आज हम अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम महासागरों के भौतिक लक्षण। अगर महासागरों के भौतिक लक्षण की बात की जाए तो महासागरों के तीन प्रमुख भौतिक लक्षण हैं, तापमान, महासागरीय जल का तापमान, महासागरों की लवणता और महासागरीय घनत्व। ये तीनों महासागरों के प्रमुख भौतिक लक्षण हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महासागरीय जलवायु को, महासागरीय गतियों को और साथ ही महासागरीय जो जीव है या महासागरीय जो जलीय जीव हैं उनके अस्तित्व को काफ़ी प्रभावित करता है। और कहीं ना कहीं इनका संबंध जो मौसमी चक्र है, महासागरीय जलवायु का जो मौसमी चक्र है जिसका सीधा प्रभाव पवनों और धाराओं पर भी पड़ता है, इनसे भी ये संबंधित है। तो इन जो लक्षण हैं, इन लक्षणों का हम बारी बारी से एक एक करके हम अध्ययन करेंगे आज। पहला जो लक्षण है तापमान, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है महासागरीय जल का, क्योंकि इसका सीधा संबंध महासागरीय जलवायु से है और महासागरीय तापमान का कहीं ना कहीं संबंध जो पवने हैं, मानसूनी पवने हम कह सकते हैं और विभिन्न सनातनी पवने जो हैं उनके जो वितरण है और उनकी गति है उनको भी यह प्रभावित करता है। तो आज हम पढ़ते हैं महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय तापमान जो है वो सतह के तापमान की तरह ही है। यह समुद्र के पानी का तापमान है जहाँ पर जिस तापमान पर वनस्पतियों जीवों के लिए ये मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न तापमान के जो स्तर हैं इन स्तरों के हिसाब से ही विभिन्न समुद्री वनस्पतियों का अस्तित्व मौजूद है और विभिन्न जो जीव जंतु हैं वो भी इसी तापमान के आधार पर अपना जीवन स्थायित्व रखते हैं। आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अक्षांशीय स्थिति, जो कि धरातलीय जल के धरातलीय तापमान को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका जो तापमान है उसके तापमान को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक है तो वो है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति के अनुरूप ही समस्त ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी के ऊपर तापमान का वितरण देखा जाएगा, क्योंकि अक्षांशों के अनुरूप ही सूरज की जो किरणें होती है वो लंबवत, तिरछी या संपूर्ण तिरछी पड़ती है। तो सबसे पहला कारक होगा अक्षांश स्थिति। अगर हम अक्षांश स्थिति की बात करें तो हम यहाँ पर हम एक एक करके इनका डिस्कशन करेंगे, पर फिलहाल जो हम देखेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में, वो पहली अक्षांश स्थिति, दूसरा सनातनी पवने और तीसरा जो है महासागर की सतह की जो है प्रकृति, कि ये किस प्रकार की सतह है, धरातलीय है या स्थलीय या फिर जलीय है। तो चौथा है मेघ आवरण, यानी कि महासागरीय क्षेत्रों में मेघों के आवरण को भी प्रभाव किस पर पड़ता है, उस क्षेत्र के तापमान पर पड़ता है। महासागरीय धाराएं भी महासागरीय जल के तापमान को क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी अधिक प्रभावित करती है। और अगला है महासागरीय जल का स्तरण। यहाँ हम एक एक कारक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो महासागरीय जल के तापमान को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हम देखें कि जो सतह का तापमान है वो कि समुद्र के पानी का तापमान वनस्पतियों के लिए और वहाँ उस जल जल में निवास करने वाले जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महासागर के पानी का तापमान न केवल महासागरों में रहने वाली वनस्पतियों के लिए प्रभावित करता है, बल्कि जो तटीय क्षेत्र है उनकी जलवायु को भी यह प्रभावित करता है। समुद्र के पानी के तापमान का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज है, क्योंकि संपूर्ण जो पृथ्वी की ऊर्जा का और तापमान का जो मूल स्रोत वो है सूरज है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यह सतह है, समुद्री जल की सतह है, इस सतह के जो गर्म होने का मूल जो स्रोत है वो है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें अधिक गहराई तक महासागर में प्रवेश नहीं कर सकती, परंतु महासागरों की ऊपरी सतह का जो जल होता है उसको गर्म करने में अपना योगदान देती है। तो सूरज का जो किरणें हैं, सूरज है वो प्रमुख तापमान का स्रोत है महासागरों में। अब यहाँ बात आती है कि सूरज के अलावा कुछ तापमान के ऐसे फैक्टर भी हैं जो पृथ्वी के आंतरिक दबाव और समुद्र तल के नीचे पानी के दबाव की प्रक्रिया भी ये प्रभावित होती है, परंतु वो कारक नगण्य हैं जो कि महासागरीय जल के तापमान को बहुत निम्न स्तर पर प्रभावित करते हैं।
महासागरों के ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर सूर्य की किरणों की अपेक्षा सापेक्ष विस्थापन, दिन की अवधि, सूरज पर पृथ्वी की दूरी, वायुमंडल की प्रकृति, इन सभी कारकों का फर्क पड़ता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ग्लोब है, ग्लोब में जिन जिन भागों में भी महासागर मौजूद है, उन महासागरों के ऊपर जो सूरज की किरणें होती है उनका कुछ ऐसे कारक हैं जो इन सूरज की किरणों के तिरछेपन के कारण भी और दिन और रात की अवधि के कारण और साथ ही साथ सूर्य से पृथ्वी की दूरी के कारण भी ये प्रभावित होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की किरणों का तिरछापन बढ़ता है वैसे वैसे उसमें तापमान में कमी आती है। इसीलिए जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, इस कारण इस क्षेत्र में महासागरीय जल का तापमान अत्यधिक न्यून होता है अपेक्षाकृत किसके, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्ष पर्यंत क्या पड़ता है, सूरज की किरणें एक तो सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, और साथ ही साथ ये भी है कि इस क्षेत्र में जो बादलों का आवरण है वो अधिक होता है, और साथ ही साथ ये कारण ये भी है कि इस भागों में वर्ष पर्यंत सूरज की किरणें लंबी है, इसलिए दिन भी अपेक्षाकृत अन्य स्थानों के बड़े होते हैं, इसलिए अधिक तापमान प्राप्त होता है। अगला जो कारक है उसमें स्थल व जल के ताप ग्रहण करने की दरों में अंतर होता है। जहाँ हम देखते हैं कि कोई भी स्थल भाग जो होता है वह जल की भाग में जलीय भाग के तुलना में जल्दी ही ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है, और वहीं इसके विपरीत जो स्थिति होती है उसमें यह है कि जो जलीय भाग होता है वो देर से ही ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। इन दोनों भागों की प्रकृति में अंतर होने के कारण इनकी जलवायु में तापमान की उपस्थिति में भी इनमें अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए महासागरों में अपार संभावना है, क्योंकि इसमें देर से गर्म पानी के गर्म ठंडा होने की वजह से इसको हम सौर ऊर्जा को बहुत अधिक समय तक संचित रख सकते हैं। तो ये थी मूल रूप से तापमान, महासागरीय जल के तापमान की बातें। अब इसमें हम देखेंगे एक एक कारकों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार महासागरीय जल के तापमान को अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं। आज का जो पहला कारक है वो है अक्षांशीय स्थिति। जो अक्षांशीय स्थिति है संपूर्ण ग्लोब पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। सतही जल का तापमान भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर घटता है, इसको हम ग्लोब के जरिए देख सकते हैं। इसको हम देखेंगे ऐसे, यहाँ एक डायग्राम समझिए, इसमें हम देखेंगे कि ये है भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यह जो भूमध्य रेखा है इसके दोनों ओर दो ध्रुव हैं, एक ओर तो उत्तरी ध्रुव, दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। अब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से कहाँ बढ़ेंगे ध्रुवों की ओर, वैसे वैसे सूरज की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाएगा और उसके साथ ही साथ दिन की अवधि भी घटती जाएगी और तापमान भी कम होता जाएगा। इस कारण से अक्षांशीय स्थिति यानी कि उच्च अक्षांशों पर हमें तापमान क्या मिलेगा, कम मिलेगा, किसकी तुलना में, निम्न अक्षांशों की तुलना में। और इसी कारण भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य महासागरीय जल का तापक्रम वायु के तापमान से कम होता है, यानी कि 40 डिग्री अक्षांशों के ऊपर हमें तापमान में क्या मिलेगी, महासागरों के तापमान में बहुत ही कमी देखने को मिलेगी, और ध्रुवों पर हमें ये और भी ज़्यादा इसमें कमी दर्ज की जाएगी। तो इस तरीके से जो महासागर निम्न अक्षांशों में स्थित हैं अपेक्षाकृत अधिक तापमान रखेंगे किनकी तुलना में, जो महासागर उच्च अक्षांशों में है उनकी तुलना में। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये ग्लोब जो है और सूरज की जो स्थिति है, इस सूरज की स्थिति को हम देखेंगे वर्ष पर्यंत इक्वेटोरियल जो रीजन है यानी भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है यहाँ पर पूरे वर्ष सूरज की किरणें कैसी पड़ रही है, लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल पड़ रही है। इस कारण यहाँ पर क्या होगा, सारे पूरे साल इसमें तापमान अधिक प्राप्त होगा और इसी कारण से यहाँ पर सभी स्थानों की तुलना में वर्ष पर्यंत तापमान उच्च रहता है। और जैसे जैसे सूरज की किरणों का जो तिरछापन बढ़ता जाएगा, उनका एंगल बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे तापमान में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि सूरज की किरणों के तिरछे होने के कारण इनमें जो है प्रकाश जो है फैल कर पृथ्वी के ऊपर फैल कर प्रवेश करता है, और इस कारण इन क्षेत्रों में तापमान में धीरे धीरे क्या आती चली जाएगी, कमी आ जाएगी।
और इसी कारण निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों के जो महासागर है वो अपेक्षाकृत क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। अगला जो फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है सनातन। यहाँ सनातन से मतलब ये है, सनातन यानी ग्लोबल विंड्स या सदैव जो चलती रहती है, वैश्विक प्रचलित पवने। अब इसमें यह है कि जो स्थल और महासागर में बहने वाली जो वर्ष पर्यंत जो बहने वाली जो हवाएं हैं वो समुद्र के महासागरों के गर्म पानी को तट से दूर लेती है और जिससे नीचे पानी ढकेल दिया जाता है, क्योंकि ये भी विश्व स्तर पर प्रोवाइड करती है। इसको भी हम एक डायग्राम से देखेंगे। मान लीजिए ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली जो पवने हैं 30 डिग्री से उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण में, वो है व्यापारिक पवने। पवनों की जो दिशा होती है, मूल दिशा पूर्व से पश्चिम, वैसे तो इनकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, तो इनकी मूल दिशा जो हो गई वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो गई। पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी मूल दिशा होने के कारण यह विशेषकर जो क्षेत्र पूर्वी भाग में स्थित होंगे, इसको हम एक और डायग्राम से देख सकते हैं कि जैसे ये है व्यापारिक पवन और ये है अफ्रीका का कोस्ट, अफ्रीका का ये है पश्चिमी तट। अफ्रीका के पश्चिमी तट से ये व्यापारिक पवन यहाँ से जल को हटाएंगी ऊपरी परत को, जो कि अपेक्षाकृत गर्म है, किसके पूर्वी तट की सतह से। तो इस गर्म जल की परत को यह पवने अपने साथ भागकर आगे की ओर ले जाती है। इस कारण यहाँ से निचले भागों से जल ऊपर की ओर आता है और इस क्षेत्र में तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार इन पवनों के द्वारा जो अफ्रीका के पश्चिमी तट है इससे जल हटाकर कहाँ पर ले जाया जा रहा है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर। इस वजह से पूर्वी तट की तुलना में किसका, अफ्रीका का पश्चिमी तट अधिक ठंडा रहेगा और इसकी तुलना में दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट गर्म रहेगा। तो इस तरीके से हम देखें तो जो ये पवने हैं, ये पवने महासागरों में क्षेत्रीय स्तर पर तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसके विपरीत ही जो पछुआ पवने होती है वो भी तापमान को प्रभावित करती है। अगला जो फैक्टर है वो है महासागरीय सतह की प्रकृति। इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो महासागरीय सतह होती है उसकी प्रकृति भी निर्भर करता है कि उस क्षेत्र का तापमान कम होगा या अधिक होगा। महासागर सतह पर सौर विकिरण का जो परावर्तन होता है सतह की प्रकृति और रंग पर निर्भर करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कोई गहरी सतह है जिसका कलर गहरा है, जिसका रंग गहरा है, वह अधिक सूर्य ताप का अवशोषण करती है अपेक्षाकृत किसके, जिसकी सतह निम्न रंग की होती है और परावर्तित होती है, जैसे कि बर्फ का रंग श्वेत रंग होता है, और ये बर्फ का जो है सौर विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता 90% तक होती है, क्योंकि इसका रंग कैसा हल्का है। और अपेक्षाकृत जो घास भूमि है, मिट्टी की परत है, ये जो सतह होती है यह सूरज की किरणों का अवशोषण अधिक करती है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों की सतह भी क्या होंगी, भिन्न भिन्न होगी, और इस भिन्नता के आधार पर महासागर सतह की प्रकृति के या फिर सूरज की किरणों की विशेषता के आधार पर तापमान भी अलग अलग होता है। अगला जो है फैक्टर वो है मेघावरण। मेघावरण से तात्पर्य है कि मान लीजिए यह समुद्री सतह है, इस समुद्री सतह के इस भाग पर यानी भाग ए और भाग बी, भाग ए पर तो है मेघों का सघन आवरण रहता है हमेशा और यह है बिल्कुल साफ मौसम। तो जिन क्षेत्रों में, महासागर क्षेत्रों में मेघों का आवरण यानी सदैव मेघावरण छाया रहता है, तो उन क्षेत्रों में सूर्य ताप कम प्राप्त होता है और इसी कारण से इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण भी क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्षेत्र में तापमान क्या होगा, इन महासागरों में तापमान ठंडा होगा अपेक्षाकृत किसके, जिन क्षेत्रों में सूरज का ये मेघावरण कम न के बराबर है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है आसानी से स्वच्छ वायुमंडल होने की वजह से महासागर सतह को आसानी से गर्म कर देती है। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि समुद्री क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है क्या, मेघावरण। सौर ऊर्जा का वह हिस्सा
जो महासागरों में जाता है वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसलिए महासागरों पर अपेक्षाकृत कम तापमान पाया जाता है, क्योंकि गर्मी का अधिकांश हिस्सा किसमें खर्च हो जाता है, वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है। मेघाकरण के कारण समान अक्षांशों पर भी महासागरीय भागों में तापमान में अंतर उत्पन्न हो जाता है। अगला फैक्टर है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं मूल रूप से दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी धाराएं। अब जो महासागरीय धाराएं हैं, यह महासागरों में क्षैतिज स्तर पर तापमान में क्या लाती है, भिन्नता लाती है। जब गर्म धाराएं उच्च अक्षांशों पर पहुंचती है तो पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा की धारा और इसका उदाहरण है। इसके विपरीत उच्च अक्षांश ठंडे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की चलने वाली धाराएं शीतल धाराएं होती है, जो कि तापमान को कम करती है। इसको हम इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें जो उत्तरी अमेरिका का तट है, यह उत्तरी अमेरिका का तट, और यह है दक्षिणी अमेरिका का तट, यह विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से एक धारा की उत्पत्ति होती है, उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह या गर्म जल धारा है, क्योंकि निम्न अक्षांशों में स्थित है, यहाँ तापमान अधिक है, इसलिए महासागरीय जल का तापमान भी ऊँचे। जैसे ये निम्न अक्षांशों की धाराएं उच्च अक्षांशों में जाती है, जो कि क्या है, गर्म है। किन क्षेत्रों में जाती है, उच्च अक्षांशों में, जहाँ पर तापमान क्या है, कम है, तो यहाँ के तापमान को यह बढ़ा देती है। और इसके विपरीत जो उच्च अक्षांशों से धाराएं निचले अक्षांशों की ओर आती है, तो उच्च अक्षांशों के ठंडे जल को यह निम्न अक्षांशों में लाकर यहाँ पर तापमान को क्या कर देती है, कम कर देती है। जो महासागरीय धाराएं हैं, ये भी क्या करती है, महासागरीय जल के तापमान में क्या लाती है, भिन्नता लाती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होते हुए उत्तरी अक्षांशों तक, यानी कि उच्च अक्षांशों तक जाती है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसको हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये देखिए गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है, यह निम्न अक्षांशों से जा रही है, कहाँ पर, उच्च अक्षांशों में, यहाँ के तापमान में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। इसके विपरीत जो जलधारा है, किनारी की जलधारा, ये ठंडा जल को लेकर नीचे अक्षांशों तक आती है और यहाँ के तापमान में क्या कर देती है, कमी कर देती है। तो इस तरीके से जो महासागरीय धाराएं हैं, वो भी महासागरों के तापमान को प्रभावित करती है। अगला जो है इसमें फैक्टर है महासागरीय जल का स्तरण। अब समुद्र के पानी की जो परतें होती है अलग अलग होती है तापमान की मात्रा के संदर्भ में। सतह का पानी क्या होता है, गर्म होता है, और नीचे ठंडा पानी होता है। जैसे जैसे सतह का पानी ठंडा होता जाता है, निचला गर्म पानी सतह पर पहुंच जाता है और इसे फिर भर देता है। इस प्रकार तापमान का वितरण भी प्रभावित होता है। अब जो है अगला फैक्टर जो है महासागरीय सतह पर सूर्य ताप की गर्मता और उसकी अवधि, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके साथ ही स्थानीय मौसम की स्थितियाँ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।